तो मैं थोड़ा आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का कैसा जाना कैसा आना और कितना वक्त लगता है। मैं स्टॉप वॉच शुरू कर चुका हूँ ऑलरेडी, और यहाँ से बेलीगुजू जाने कितना टाइम लगता है। ये हम जो है सेंटर में है, एशियन साइड में आताशाही, यहाँ से बेलीगुजू को एक्सैक्ट कितना टाइम लगता है वो आपको बताना है, वो मेरे व्यूवर्स को बताना है जो तुर्की में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और लोकेशन के रिलेटेड उनको जो क्वेरीज रहती है उसके लिए। ज़्यादा करके सवाल ये आते हैं कि भाई डिस्टेंस कितना है बेलीगुजू से सुल्तान अहमद का, सिटी सेंटर का, आताशाही का, माल्टेपे का, तो ये सब चीज़ मैं आज क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो इंशाल्लाह वेट कीजिए, मैं यहाँ से अभी बेलीगुजू पूरा सफ़र आपको मैं इसमें कैप्चर करके बताऊँगा इंशाल्लाह। ओके, और ये जो है लोकल हमारा जो एरिया है, हम जहाँ खड़े हैं ये आताशाही है, और हम वहाँ अगर क्रॉस कर लेते हैं तो वो माल्टेपे आ जाता है, यानी रोड का डिफरेंस है बस, ये बॉर्डर है। अगर हम इस रोड से उस रोड पे चले जाते हैं तो माल्टेपे की ज्यूरिडिक्शन शुरू हो जाती है। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, तो मैं ये उज़ून जहर स्टॉप पे आ गया हूँ। अब यहाँ से बेलीगुजू भी आप देख सकते हैं, बेलीगुजू की बसेस जाती है। तो अभी हम यहाँ से कितना टाइम बेलीगुजू जाने लगता है वो मैं आपको बताऊँगा एग्जैक्ट। तो हमारी जर्नी शुरू करते हैं यहाँ से नाउ। तो दोस्तों ये हमने हमारी जर्नी शुरू कर दिए हैं, और मैंने ऑलरेडी मेरी स्टॉप वॉच शुरू कर दिया हूँ कि हम यहाँ से उज़ून जहर से हम बेलीगुजू कितने वक्त में पहुँचते हैं और कितना टाइम लेता है ये लेती है ये हमारी जर्नी। और मैं आपको एक चीज़ ख़ास चीज़ बता दूँ, ये मेट्रो बस की, ये जो मेट्रो बस है ये इसके लिए एक अलग ही ट्रैक है। ये दोनों रोड जो हैं ट्रैफिक के जो हाईवे हैं वहाँ पे ट्रैफिक वगैरह बहुत रहती है, बट यहाँ पे इसमें इनको अलग रोड दिया गया है जिसमें ये एकदम फ्रीली जो है रन करती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे। जबकि अगर गाड़ी से अगर बेलीगुजू किसी को जाना है अपनी प्राइवेट गाड़ी से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचते, और अगर कोई मेट्रो बस लेता है तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाए। तो ये ख़ास बात है मेट्रो की। जैसे हम बेलीगुजू पहुंचेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा कि कितने वक्त में हम वहाँ पहुँचेंगे। टिल देन बाय। तो व्यूअर्स अभी हम बोस्पोरस ब्रिज पे इंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रिज है यहाँ से पूरा जो बोस्पोरस जो है पूरा नज़र आता है। यहाँ से आपको बेसिक तास का व्यू मिलेगा, यहाँ से आपको सुल्तान अहमद का व्यू मिलेगा, ये यहाँ से उस उधर का व्यू मिलेगा आपको। तो अभी कुछ ही मिनटों में हम बोस्पोरस पे इंटर होने वाले हैं।
हम पहुंच गए बिली क्रूजू, ये आप देख सकते हैं बैक एंड जो स्टॉप है यहाँ पे हम उतरे हैं, ये बिली क्रूजू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की होटल है, रमादा होटल है, और ये सेकंड लास्ट स्टॉप है। लास्ट में जो है डिपो है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया में डिपो, जो जहाँ पे सारी यहाँ की बस जो है ख़त्म होती है आखिरी में, तो ये लास्ट स्टॉप है। और हमको यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लगे हैं ऑलमोस्ट। तो मैं आपको स्टॉप वॉच भी शो कर रहा हूँ, देख लेना आप। ये देखिए जो बसें आ रही है, ये सेकंड लास्ट स्टॉप है, इसके बाद में डायरेक्ट डिपो में चली जाएगी जो वहाँ पे एंड है, डेड एंड। फिर यहाँ से रिटर्न जाने के लिए सिटी सेंटर में फिर से हमको यही बस पकड़नी पड़ेगी, तो हम जा सकते हैं रिटर्न। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।